नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियो। जैसा कि मैं हर दिन आपको नई अपडेट इग्नू के विषय में देता रहता हूं, तो आज जैसा कि ग्रेड कार्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। हम इग्नू की वेबसाइट खोलते हैं, यहां पर रिज़ल्ट में देखिए टर्म एंड ऑन डिमांड के बाद ग्रेड कार्ड आ रहा है। तो इसमें जो 9 अगस्त को जो आपका रिज़ल्ट आया था, तो उसका अपडेट हो चुका है। जो जिनका रिज़ल्ट 10 अगस्त को जो सब्जेक्ट का आया, उनका अभी अपडेट नहीं हुआ होगा। 9 अगस्त को जो रिज़ल्ट आया है, उसका अपडेट हो चुका है। तो ग्रेड कार्ड में आपने क्लिक किया और ग्रेड कार्ड में तीनों आ गए हैं। BCA वालों के लिए अलग है, BDP, BA, BCOM, BSc के लिए अलग है, और अदर प्रोग्राम के लिए है। हम किसी भी एक में जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसमें क्लिक कीजिए, प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए और अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर अपना जो है ग्रेड कार्ड देख लीजिए। ग्रेड कार्ड में देख आपको या तो कम्प्लीटेड में लिखा रहेगा रिमार्क्स में, या फिर नॉन कम्प्लीटेड, ठीक है, नॉट कम्प्लीटेड लिखा हुआ है। तो या तो आपको असाइनमेंट मार्क्स चढ़े नहीं है, या फिर आप असाइनमेंट और एग्ज़ाम थ्योरी जो एग्ज़ाम होता है उनमें से किसी एक में फेल है, ठीक है। नॉट कम्प्लीटेड कब लिखा हुआ आएगा, सिर्फ दो ही कारणों से आएगा, या तो आपके असाइनमेंट मार्क्स उसमें चढ़े नहीं हैं, ठीक, और या फिर असाइनमेंट और थ्योरी इनमें से किसी एक में आप फेल हो गए हैं, ठीक। और अगर आप दोनों में पास हो गए तो आपके उसमें कम्प्लीटेड लिखा हुआ आएगा, यानी कि वो आप सब्जेक्ट आपने कम्प्लीट कर लिया। तो आप अपना ग्रेड कार्ड जो है चेक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप इग्नू की सभी अपडेट जो है मेरे से प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।